सबसे कॉमन जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं भाई, नींद नहीं आने के नॉन स्लीप डिसऑर्डर, नॉन बीमारी वाले रीजंस आपको ऑलरेडी हमने पहले बता चुके हैं, तो अभी हम बता रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर्स वो है जो ऐसी बीमारियां, ऐसे कंडीशन से इसमें नॉर्मल स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, और बहुत मतलब 80-90 से ज्यादा स्लीप डिसऑर्डर की बीमारियां हैं, लेकिन हम सबसे कॉमन टाइप्स आपको बताएंगे। नंबर वन है इनसोमनिया। इनसोमनिया मतलब आप सो ही नहीं पा रहे, साम दाम दंड भेद सब कर लिए लेकिन आप सो ही नहीं पा रहे, या तो सो नहीं पा रहे या सोते हो तो सोए सोए रह नहीं पाते। मोस्ट कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है ये इनसोमनिया। सेकेंड इज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मतलब आपको सांस लेने में इतने मोटे हो गए हैं, इतने मोटे हो गए हैं आप कि खर्राटे ले रहे हैं, और इतने मोटे गला, और टंग इतने मोटे कि जैसे ही लेटते हैं टंग गला पीछे, आपकी टंग पीछे गिरती है और खर्राटे हुए आते हैं और सांस रुक जाती है। 10 सेकंड के लिए आपकी सांस रुक जाती है और आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाता, और आपका ब्रेन उठो उठो करके खप से आपकी नींद खुलती है। दैट इज कॉल्ड स्लीप एपनिया। ये आपको पता नहीं चलता, ये आपके पार्टनर को पता चलता है, और आपको लगता है मैं सोया, लेकिन पूरा दिन आपको खर्राटे, पूरे दिन आपको एकदम से नींद, पूरे दिन आपको थका थका, डे टाइम स्लीपिंग महसूस होती है। खर्राटे रात में आते हैं, डे टाइम स्लीपिंग थका हुआ महसूस होता है। दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दैट कैन बी ऑब्स्ट्रक्टिव, कैन बी नॉट। देन देर इज अ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, लाइक ट्रिंगलिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन इन द लेग। मतलब कुछ ना कुछ लग रहा है कि मेरे पैर में कुछ है, कुछ है, कुछ है, हिले जा रहा है, हिले जा रहा है, और उसमें अर्ज होती है बहुत जोर के पैर हिलाने की। दैट इज द रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। वो भी एक बड़ा कॉमन रीजन है स्लीप डिसऑर्डर का। फिर एक डिसऑर्डर है जिसमें आप सोए रहते हो, सोए रहते हो, सोए रहते हो, सोए रहते हो, दैट इज कॉल्ड हाइपरसोमनिया। इसमें क्या होता है, आप जाग ही नहीं पाते हो, पूरे दिन सोए रहते हो, जागने में मुश्किल, दैट इज हाइपरसोमनिया। इसमें भी और टाइप से एक होता है नार्कोलेप्सी, जिसमें मतलब दिन में इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि पूछो मत। अब आपको लग रहा है ये बीमारी है सुन के होंगे क्या, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपको बीमारी क्या है, तब आप उसका कारण समझ पाओगे। कई लोगों को सिंपल कुछ खास नहीं होता, सिर्फ सर्केडियन रिदम प्रॉब्लम होता है, जैसे जेट लैग। जेट लैग होता है सर्केडियन रिदम प्रॉब्लम। तो आपका जो स्लीप वेक साइकिल है, आपकी मान लीजिए मॉर्निंग रूटीन से नाइट रूटीन, नाइट रूटीन से मॉर्निंग रूटीन, हमारे जैसा हाल हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, दैट मेक्स यू अनेबल टू स्लीप, एंड फिर वो आप रात भर जागे रहते हो। दैट इज अ सर्केडियन रिदम प्रॉब्लम, जेट लैग, दैट इज अ नथिंग। तो वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। कई लोगों को होता है पैरासोमनियास। पैरासोमनिया क्या है, दिस इज बेसिकली व्हेन यूजुअल वेज में आप सो नहीं पाते हो, लेकिन आप कई बार उठ जाते हो, और कई बार पैरासोमनिया में आप स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, स्लीप ईटिंग, राइट, नींद में चलना, नींद में खाना, या नींद में बोलने की बीमारी, उसको कहते हैं पैरासोमनियाज, राइट। तो ये सारी मोस्ट कॉमन स्लीप बीमारियां हैं, और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपनी स्लीप बीमारी से निजात पाना है, तो आपको इन सब में से आपको कौन सी है वो समझना जरूरी है। उसके लिए आपको स्लीप स्टडी करानी पड़ सकती है। स्लीप स्टडी से आपको पता चलेगा आपको क्या होता है ड्यूरिंग द स्लीप, और दैट इज वेल एंड गुड, ठीक।